होस्ट अमर सिंह। तो आज हम करने वाले हैं वर्क परमिट। हम एक नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हम खोलते हैं अपना थर्ड लिंक। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर उसका लिंक डाल रखा है। पहले हमें लॉगिन करना होगा। अच्छा, इसके लिए हमें बेसिकली चाहिए हमारे वेंडर का, हमारे जो ठेकेदार है या जो भी काम कर रहा है उसका कोड, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए वर्क ऑर्डर नंबर। बिना वर्क ऑर्डर नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा नेट आज धीमा है शायद, आई डोंट नो, कुछ ऐसा खुलेगा आपका, ये रहा, ठीक है। आप आएंगे इधर किनारे और यहाँ पर आकर आप क्लिक करेंगे वर्क परमिट पर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट पे और आपको करना है प्लस आइकन पर क्लिक और यहाँ करना है, चूंकि हमारा जो वेंडर दो टाइप के होते हैं, एक कंपनी रजिस्टर्ड वेंडर, दूसरा वेंडर नॉमिनेटेड बाय डीलर। हमें करना है कंपनी रजिस्टर्ड वेंडर पे क्लिक और यहाँ पर हमें करना है अपने वेंडर का कोड। वेंडर कोड वो जो भी बताता है, वेंडर कोड हमेशा 00 से स्टार्ट होता है। तो 00 1 3 4 2 9 6 और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये अपने आप ले लिया उसने, ओके किया। यहाँ पे हम अदर वर्क में आएंगे क्योंकि हमारा टैंक शिफ्टिंग का काम कुछ चल रहा है और हम यहाँ लिख देंगे टैंक शिफ्ट वैलिडिटी आज की हो जाएगी, आज कितनी तारीख है नाउ, और हम इसको देंगे 9 बजे से। चलो अभी नाउ कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वैलिड कब तक, इसको हम करते हैं शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद में इसको हमें नहीं देना है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा कि हम इसको 5 बजे तक ही दे सकते हैं शाम को। और कब, आज तारीख हो जाती है 21, ठीक है, डन। और आगे आते हैं, चूंकि वर्क ऑर्डर नंबर हमें देना है 2821079 और हमें यहाँ पे क्लिक करना है, रॉन्ग फील्ड वैल्यू कह रहा है, नहीं फील्ड वैल्यू हमारी बिल्कुल सही है। वैलिडिटी फ्रॉम कैन नॉट बी पास्ट इट, आज ही तो है। अच्छा, दिया
बोल रहा था ना, दिक्कत करता है बनाने में। 00101314296 296। ये एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 8 घंटे से ज़्यादा का नहीं बनेगा। वर्कआउट नंबर यहाँ डालेंगे, 2821079। इस तरीके से ये खुल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देते हैं जैसे इक्विपमेंट्स और वर्क एरिया इंस्पेक्ट, तो इनको हम यस यस करेंगे। ठीक है, सबको डन किया। यहाँ से जाकर हम पीपी किट ले लेंगे, सिलेक्ट पीपी किट। इनके पास सिर्फ शूज ही होंगे, मेरे ख्याल से सेफ्टी शूज ही होंगे, हेलमेट किया अवेलेबल चेक, और एडिशनल कुछ भी है तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ एडिशनल। अब ये क्या नेचर ऑफ द वर्क, तो टैंक शिफ्ट है हमारा चूंकि, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं। किस जगह काम हो रहा है, तो पर्टिकुलर लोकेशन लिखनी है, पंप के अंदर कहाँ काम हो रहा है, तो टैंक में हो रहा है, टैंक में, तो हम टैंक शिफ्ट सीधे लिख देते हैं। मान लीजिए आपका पैनल रूम में हो रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पैनल रूम। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का नाम, वैसे इसको क्लिक करने पे यहाँ आ जाता है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिख देते हैं, गौरव। हाँ, मेल आईडी उसकी आ जाएगी, तो मेल आईडी कॉन्ट्रैक्टर का मोबाइल नंबर, तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर का मोबाइल नंबर नहीं पता है, मैंने डीलर का ही डाल दिया, 06079133। और यहाँ पे कौन काम देखेगा, तो मैं डीलर का ही चूँकि नाम डाल देता हूँ। इसको कर देते हैं Ctrl+S, और यहाँ से जाके आप इशू टू कॉन्ट्रैक्टर कर देते हैं, प्लीज़ फिल वर्क ऑर्डर नंबर, हमारा सारा फ्री फिल है। वर्क ऑर्डर नंबर है हमारा, बस इस तरीके से आप वर्क ऑर्डर बनाते हैं।